हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं एक सत्संग मंदिर में, काफ़ी भव्य बना हुआ है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, काफ़ी भव्य है, आपको भी देखने में काफ़ी रोमांचक लगेगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहें। तो मेरे घर से कम 10 किलोमीटर के आसपास होगा, जो कि मदरोनी जगह नाम है। दोस्त सब बताया है कि मदरोनी जगह नाम है, उसी के आसपास भव्य सत्संग मंदिर है, बना हुआ है, पंडाल बना हुआ है। चलिए आपको भी दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्त सब सरस्वती मंदिर के पास वेट कर रहा है, तो अभी निकलते हैं सरस्वती मंदिर, वहाँ से सारा दोस्त को पिकअप करेंगे, उसके बाद चलेंगे भव्य सत्संग मंदिर के पंडाल में। तो मंदिर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे दोस्त सब बैठा हुआ है। ये रहा सरस्वती मंदिर। तो अभी कुर्सेला पुल पार कर चुके हैं और देख सकते हैं अभी शाम का ये सनसाइन काफी मस्त दिख रहा है। अरे ये क्या, बिना पर्व त्योहार का जाम लग गया है। ज्यादा दूर नहीं है, तो रंग रात तक हो सकता है, जब देखते हैं आगे। देख सकते हैं इसमें सारा डिटेल दिया गया है, कब से कब तक सत्संग स्टार्ट होगा। तो अभी चलते हैं पंडाल की ओर, देख सकते हैं सामने कितना बड़ा पंडाल है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है सत्संग मंदिर के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरे खेत में, और इस साइड में भी है, देख सकते हैं दोनों तरफ लगाया गया है। 15 तारीख से सत्संग स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आप लोग लोकल से हैं, दूर से हैं, आ सकते हैं, ठहरने के लिए सारा व्यवस्था भी है यहाँ पे। तो अभी बाइक लगाते हैं और आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा सत्संग का पंडाल बनाया गया है, और वहाँ पे अगर आप दूर से आते हैं तो वहाँ पे पीछे देख सकते हैं लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था भी है, और स्नान करने का भी व्यवस्था वहाँ पे देख सकते हैं, नल उल लगाया गया है। ये जो लोकेशन है सत्संग का, ये मकनपुर और मदरोनी के बीच में है। आपको बैनर भी आगे मिल जाएगा, अगर आप नवगछिया आते हैं तो वहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं सत्संग कहाँ हो रहा है, तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और आपको एक प्यारा सा सनसाइन दिखाते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे दोस्त लोग फोटो शूट कर रहा है, तो देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो चलिए आपको पंडाल के अंदर का व्यू भी दिखाते हैं, कितना बड़ा स्पेस में ये पंडाल बनाया गया है। पूरे चारों तरफ खेत में सत्संग का जो व्यवस्था किया गया है, कितना देख सकते हैं अंदर पंडाल का व्यू, देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना भव्य है। और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है तो आपको काफ़ी मस्त लगेगा देखने में। तो आप लोग एक बार ज़रूर आए, यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो और भी मिलती रहे। और मेरा जो न्यू ब्लॉग वीडियो का चैनल है, जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग भी उस ब्लॉग वीडियो के यूट्यूब चैनल पे विजिट ज़रूर करें। मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही उस पे वीडियो कोई आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो अभी चलते हैं घर की ओर, क्योंकि जाने में रात हो सकता है, तो अभी घर की ओर निकलते हैं। अगर आप लोग सत्संग आना चाहते हैं तो 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग सत्संग आ सकते हैं। मदरोनी और मकनपुर के बीच में ये पंडाल बनाया गया है, तो आप लोग किसी से भी पूछोगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा।